प्रिया, आप सभी को हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, तभी जाके मैं पहले ब्लॉग से लेके आ सकता हूँ, ब्लॉग अपना शूट कर रहा हूँ। राइडिंग एक्सपीरियंस जो मेरा अपने जेरी के ऊपर है, और भाई जेरी के साथ मतलब जो भी प्रो कॉन्स है, मतलब पूरे 15 महीने का और 11,000 किलोमीटर का मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आज शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। और जो भी भाई अपना 100वां ब्लॉग है वो अपलोड होने जा रहा है, तो गाइज उसको स्पेशल बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने सेफ्टी के लिए कुछ लिया जाए। तो गाइज सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो गाइज आज का जो ब्लॉग शूट होने जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि गाइज आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपना 100th ब्लॉग। मतलब कि एक टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था कि भाई 100 ब्लॉग आ जाएंगे अपने 1 साल के अंदर में, और अभी देखो आज मैं अपना 100वां ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइज ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। आप सभी को हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, तभी जाके मैं पहले ब्लॉग से लेकर आज 100वां ब्लॉग अपना शूट कर रहा हूँ। और गाइज आज के ब्लॉग को हम लोग और स्पेशल बनाएंगे, तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि अपने 15 महीने के ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस जो मेरा अपने जेरी के ऊपर है, और भाई जेरी के साथ मतलब जो भी प्रो कॉन्स है, मतलब पूरे 15 महीने का और 11,000 किलोमीटर का मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आज शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। और जो भी भाई अपने अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगे चल के उनको निंजा लेना है, 300 लेना है, तो भाई ये वीडियो आप लोग भी देख सकते हो, और जो अभी ओन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो गाइज ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो कि आपने पहले सुना भी होगा, बट कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं सुना होगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और गाइज चलो अभी शुरू करते हैं, अभी बहुत गाइज चलो पहले चेक कराते हैं आपको कि एक बाइक अपनी कितने किलोमीटर चली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11,000 किलोमीटर चली हुई है, तो गाइज अभी आप देख सकते हो 10,937 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 11,000 पे है। और गाइज चलो शुरू करते हैं कि मैंने अपने बाइक के ऊपर क्या क्या करा रखा है। तो पहला चीज गाइज जो हम लोगों ने अपने बाइक के ऊपर करा है ये तो आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने बाइक का नाम जेरी रखा है, और इसके लिए इस पे जेरी भी लिखा रखा है। अभी मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ कि मैंने अपने पूरे बाइक के ऊपर आपको जहां तक भी दिख रहा होगा सारे बॉडी पार्ट तो इसके मैंने PPF करा रखा है। प्रो होते हैं कॉन्स भी होते हैं, तो भाई मैं पहले इसका प्रो बता देता हूँ कि इसकी क्या खासियत है। तो गाइज हम लोगों ने जो इसके ऊपर PPF करा रखा है उससे ये फायदा है कि गाइज इसकी जो साइन है ये ज्यादा रहेगी नॉर्मल बाइक से, और प्लस इसका जो पेंट है ये बचा रहेगा, क्योंकि भाई PPF का जो फुल फॉर्म होता है वही होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो गाइज इसलिए मैंने इसके ऊपर PPF करा रखा था, मैंने बाइक लेने के साथ ही PPF करा लिया था। और जो इसके कॉन्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अभी इसके ऊपर कॉन्स क्या है कि अगर आपका PPF कहीं से भी टियर हो जाता है, मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा PPF यहाँ पे थोड़ा सा फट गया था, तो गाइज इसके ऊपर से फिर आप PPF नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपको ट्रिम करके हटाना पड़ेगा। और इसलिए आप नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर इसके ऊपर करोगे तो वो पता भी चलेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, और अगर इसके ऊपर आपको कराना है तो फिर आपको पूरा बॉडी का इसका PPF हटाना पड़ेगा और उसके बाद इसके ऊपर PPF चढ़ेगा, तो ये इसके कौन से थोड़ा सा। और एक चीज़ और प्रॉब्लम आएगी जब आप कॉर्नर वाले एरिया पे जाओगे, जैसे कि ये एरिया आपको दिख रहा होगा, तो ये कॉर्नर वाले एरिया पे थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको सटने में, और यहाँ पे अभी आपको दिख भी रहा होगा कि इसके ऊपर थोड़ा डस्ट आ गया, तो अभी जाके मैं इसको यहाँ से कट करवा के हटवा दूंगा ताकि वो जो डस्ट है उसके कारण से अंदर बॉडी पार्ट में कुछ भी दिक्कत ना आए। और गाइज अभी मैंने इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ तो हम लोगों ने PPF करा रखा था, और अभी मैं और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके हेडलाइट्स हैं, जो कंपनी की तरफ से हेडलाइट आती है गाइज वो आती हैं हैलोजन, और मैंने इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने नाइट आई लगाया हुआ है, LED लगाया हुआ है नाइट आई का। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और चेक कराता हूँ, पहले इसको बंद कर देते हैं। हाँ तो गाइज अभी मैंने, और गाइज की जो पार्किंग लाइट है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसे मैंने पर्पल करा रखा है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसकी आंखें पूरे पर्पल नज़र आते हैं तो मेरे को बहुत सही लगता है। और मैंने इसके बाइजर के ऊपर एक ब्लैक फिल्म चढ़ा रखा है, जो कि मुझे रात में जो इसका व्यू आता है वीडियो बनाने के समय इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ये बहुत सही आता है, इस कारण से मैंने इसको भी पूरा ब्लैक करा रखा था। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी अपनी बाइक लोगे तो भाई पीछे के टायर्स जो होते हैं पूरे ओपन रहते हैं, मडगार्ड वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो भाई अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो भाई ये चीज़ आप देख सकते हो, ये आपको कंपनी की तरफ से लगी हुई नहीं मिलेगी, ये जगह खाली रहता है, तो आप इसके ऊपर टायर अगर इंस्टॉल करा सकते हो जिससे कि जो कीचड़ है वो पूरा ऊपर तक नहीं आएगा और आपके ऊपर नहीं पड़ेगा या फिर सीट तक नहीं जाएगा। प्लस मैंने ये पीछे का जो सिस्टम था उसे हटा के टेल टाइडी करवा लिया और थोड़ा लुक इसका बढ़िया हो जाता है, इस कारण से मैंने इसे चेंज करा लिया। और पहले सर्विसिंग या दूसरे सर्विसिंग के बाद आप अगर चाहो तो आप अपना एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो, जो कि मैंने किया हुआ है। और एग्जॉस्ट के साथ इसका भी सबसे अच्छा चीज़ ये है गाइस कि आपको इसके लिए पूरा सिस्टम फुल सिस्टम नहीं चेंज कराना है, अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो यहाँ से देख लो आप स्लिप ऑन लगता है, यहाँ से आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो खुल जाएगा और उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो, जो भी आपको साउंड आपके हिसाब से अच्छा लगे। मेरे को ये बहुत बेस साउंड पसंद है, एक बार मैं आपको इसका आवाज़ भी सुनाता हूँ, मेरे को बेस बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने बेस साउंड वाला लगाया था। तो गाइज एक बार इसका साउंड चेकआउट करो,
तो गाइज मेरे को बेस साउंड पसंद था, इस कारण से मैंने इसके ऊपर एक्रोपोविक इंस्टॉल कराया था और बहुत ही प्यारा साउंड आता है इसके ऊपर गाइज, जब ये रोड पे निकलती है तो और भी अच्छा लगता है। और इसके बाद गाइज अभी आते हैं बाइक के ऊपर कि बाइक का क्या प्रो है, क्या कॉन्स है। तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि गाइज मैं आपको ये सिंपली बता सकता हूँ कि 15 महीने चलाने के बाद भी मेरे को बाइक के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि मैंने इसकी 3 सर्विसिंग करा रखा है, सर्विसिंग चार्जेस जो आप बोल सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो कि भी 300 सीसी की बाइकें हैं उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सो गाइज जहाँ तक इसके माइलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो गाइज इसका जो माइलेज है ये आराम से 20 से 30 के बीच का है, क्योंकि गाइज हम लोग चलते हैं थोड़ा हाई रेट पे, क्योंकि हमें साउंड सुनना है, बाइक की आवाज़ सुननी है, एग्जॉस्ट का नोट सुनना है, तो गाइज हम लोग थोड़ा हाई नोट पे चलते हैं। इस कारण से हमारा जो बाइक है वो माइलेज देता है 20, और अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो आराम से 23-24 का माइलेज मिलता है। सो गाइज अगर आप इसको बहुत आराम से चलाते हो और इसका जो RPM है वो आप 4000 से 6000 के बीच में रखते हो, तो मैं आपको एकदम आराम से बता सकता हूँ कि गाइज आपकी बाइक जो है वो आराम से 25 की माइलेज देगी और हाईवे पे 30 तक की माइलेज देगी। तो ये है माइलेज के ऊपर, लोग बताते हैं कि इतना माइलेज दे रहा है, उतना माइलेज दे रहा है, तो वो आपके टोटली आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उसको राइड कर रहे हो। सो गाइज 300 सेगमेंट के अंदर में अगर आप जाते हो तो अगर आप टॉप एंड चेक करोगे तो सबसे अच्छा जो टॉप एंड है वो भाई अपने कावासाकी निंजा का ही है, क्योंकि गाइज मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो कि निंजा का कर सके, निंजा को कम्पीट कर सके टॉप एंड के मामले में। सो गाइज निंजा को अभी मार्केट के अंदर में सर कोई भी अगर बाइक कम्पीट कर सकती थी तो वो थी यामा की R3, जो कि गाइज अभी डिसकंटिन्यूड है। तो अभी फिलहाल भाई टॉप एंड के मामले में जो अभी सबसे आगे वो अपनी कावासाकी निंजा ही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई अपना जो कंपनी क्लेम करता है इसके ऊपर जो इसका टॉप स्पीड वो कंपनी क्लेम करता है भाई स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ 191 का, बट गाइज अपनी बाइक जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बता रखा है कि अपनी बाइक आराम से 196 तक जा चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आपका कैसे टॉप एंड इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो भाई पहला चीज़ की जो कंपनी के द्वारा स्टॉक एग्जॉस्ट दिए जाते हैं उसके वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो आप स्लिप ऑन लगाते हो तो उसके अंदर में इसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस कारण बाइक थोड़ा ज़्यादा भागती है। और अगर आप ये चीज़ और कर सकते हो भाई, जो इसके ऊपर बाइजर होती है उसके ऊपर आप बबल बाइजर लगा सकते हो, बबल बाइजर से क्या होगा वो थोड़ा बड़ा होता है, जिस कारण से एरोडायनेमिक्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे और बाइक आपकी थोड़ा ज़्यादा एयर को कट करेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा भागेगी। सो गाइज अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है गाइज इसका हैंडल बॉबलिंग का, जो कि मैंने आपको अपने वीडियोस के ऊपर भी बताया था। तो गाइज हैंडल बॉबलिंग का जो इशू आता है उसका सबसे बड़ा रीजन है ये टायर्स, जो गाइज इसके ऊपर जो MRF का टायर मिलता है आपको स्टॉक में ही, जब आप बाइक लोगे तो उसके ऊपर आपको MRF का ही टायर लगा हुआ मिलेगा, तो इस टायर की वजह से इसके हैंडल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हालांकि मैंने अभी अपने सर्विसिंग के टाइम पे मैंने बात किया था कावासाकी में, तो उन्होंने मुझे इसके एक सॉल्यूशन के बारे में बताया, तो गाइज मैं उस चीज़ को पहले कंप्लीट कर लेता उस प्रोसेस को, अगर वो उसके बाद अगर इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और गाइज इसके ऊपर जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो इसका चेन का इशू है गाइज, जो कि टाइम टू टाइम बहुत जल्दी जल्दी लूज हो जाता है, तो आपको टाइम टू टाइम इसको टाइट करवाना होगा। और तीसरा प्रॉब्लम है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपको दिख रहा होगा सिर्फ 140 mm का है। जब आप पिलियन राइडर के साथ राइड करोगे तो आपको ब्रेकर के पास बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी सस्पेंशन जो है और नीचे आ जाती है और उसके बाद नीचे सटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये इसका तीसरा प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम है जो कि अब मैं बता सकता हूँ कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, वो है इसका जो सीट का है, जो पीछे वाला सीट है वो आप देख सकते हो गाइज, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और अभी तो मैंने इसके ऊपर सीट कवर लगा रखा है इसलिए अभी ये थोड़ा कम कर रहा है, नहीं तो अब जब भी आप देखोगे निंजा 300 VS4 और VS6 की मैं बातें कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने आंखों से देखा हूँ, तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आपको आएगा, पीछे का सीट जो है ये हिलेगा। तो गाइज ये प्रॉब्लम थी अपने निंजा के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी 19-20 तो सबके अंदर रहती है। अगर भाई किसी चीज़ का फायदा है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान भी होता है, तो भाई ये इसके कॉन्स थे। बाकी जो इसका जो सिटिंग पोस्चर वाला चीज़ है वो मैं अभी आपको डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि भैया मेरी हाइट 5'2" है और अगर मैं इसके ऊपर बैठूंगा तो फिर कैसा इसका एक्सपीरियंस होगा। तो भाई जो इसकी हाइट शॉर्ट है वो आप चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, अभी मैं एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिसमें कि मेरे एक फ्रेंड है वो भाई इसी हाइट का है, 5'2" उसका भी हाइट है, और उसके साथ मैंने ये चीज़ इस पे वीडियो बना रखा है, तो एक बार मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो चीज़ आप देख लो फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ, अभी हमारे साथ आयुष है, और आयुष का भी जो आप हाइट है मेरे सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि भैया अगर हाइट 5'2" होगी तो क्या आएगा, तो भाई आयुष का हाइट जो है वो 5'2" ही है, 5'2" है। तो गाइस एक बार मैं आयुष को बोलता हूँ इसके ऊपर बैठने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पे इसका पोस्चर आ रहा है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि इसको एक तरफ से पैर ऊपर करना पड़ रहा है, और दूसरे साइड का क्या है, दूसरे साइड का सीन दोनों पे सेम पे ही आ रहा है ना, हाँ। तो गाइज आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी हाइट 5'2" है तो आपको टो पे आना पड़ेगा और बैठ के बाइक को राइड कर सकते हो, और जो आपके लीनिंग पार्ट है लीनिंग पार्ट को एक बार आप लीन करके दिखाओ आयुष, लीन कैसा हो रहा है।
तो गाइज लीन में आप देख सकते हो कि आपको ज्यादा लीन करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप हैंडल को इसको कंट्रोल कर सकते हो। और कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है या फिर 300 cc बाइक से इसका सिटिंग पोस्चर काफी लो है, काफी कंफर्टेबल। एग्जैक्टली गाइज, तो यही चीज मैं बताना जा रहा था आपको कि इसका जो सिटिंग पोर्शन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 5'2" है तो आप चला सकते हो, नॉर्मली राइड कर सकते हो। गाइज करते हैं R15 के सिटिंग पोस्चर पे, तो एक बार आइए R15 पे बैठ के बताओ। तो गाइज देख लो, 5'2" हाइट के साथ अगर आप R15 के ऊपर जाते हो तो आपका पोस्चर क्या आता है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों पैर एक साथ नीचे नहीं रख सकता है R15 के ऊपर, क्योंकि भाई अगर तो एक तरफ रखेगा तो एक तरफ से पैर इसका ऊपर आना लाजमी है। तो भाई सीटिंग पोस्चर जो मैं आपको बता रहा था, और एक बार लीनिंग पार्ट बता दो आयुष कैसा है लीन करने पे उसके कंपेयर में। उसको ज्यादा बढ़िया। हाँ, तो गाइज इसके ऊपर लीन जो करना होता है वो ज्यादा आपको लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर। हाँ, एग्रेसिव पोस्चर और थोड़ा सा प्रेशर आपके रिस्ट पे आने वाला है। हालांकि मतलब वेट तो उस पर भी आता है, अपने निंजा के अंदर भी आता है, बट आपको ज्यादा वेट आएगा आपके हाथों के ऊपर अगर आप R15 राइड करते हो। तो हैंडलिंग का थोड़ा सा कंफर्टेबल है आपको निंजा कंपेयर टू R15। और सिटिंग पोस्चर, और गाइस सिटिंग पोस्चर भी आपने जान ही लिया अगर। तो गाइस जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई हम लोगों ने कंपेयर किया है इसको R15 के साथ में, तो भाई जो सीटिंग पोस्चर है इसका ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू R15। और भाई जो इसका लीनिंग पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू R15। तो आप दोनों चीज देख चुके हो। और गाइज अभी अगर आपको इसके बाद भी इसके ऊपर कोई भी क्वेरी रहती है अपने निंजा के अंदर में या फिर R15 वर्जन 4 के ऊपर, तो गाइज यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और आप कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। और जो भी चीज मुझे पता है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज अभी हम लोग आए हुए थे मोटो माइज, और जैसे कि आपको पता है कि आज अपना 100वां ब्लॉग है वो अपलोड होने जा रहा है। तो गाइज उसको स्पेशल बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने सेफ्टी के लिए कुछ लिया जाए। तो गाइज मोटो माइज से अभी हम लोगों ने क्या लिया है ये आप एक बार चेक करो। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अपने सेफ्टी में कुछ ऐड किया है। और हम लोगों ने क्या ऐड किया है ये आप देख सकते हो, ये राइडिंग जैकेट है एक्सोर का, जो अब अपने ये निंजा से मैच भी करेगा ग्रीन के साथ ब्लैक, तो इस कलर को देख के मंगाया गया था। और भैया यहाँ पे खड़े हैं, थैंक यू टू भैया जो इतने सही रेट पे ये अवेलेबल करा दिए, मतलब कि जो ऑनलाइन में प्राइस है उससे भी कम रेट में मिला है गाइस। तो आप लोग में से भी किसी को अगर जरूरत है तो मैं इस स्टोर का नंबर दे दूंगा नीचे, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और बताना, वो आपको उस जगह पे मिल जाएगा। तो गाइस चलो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि रात हो चुका है और ये क्लिप मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, तो आप एक बार देख भी लेना इसको। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और